वेलकम फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भोला सा डिजाइन मैकेनिक में। तो फ्रेंड, आज बात करेंगे अशोक लेलैंड BS4 के बारे में, जो कि हमको बिना फ्लाईव्हील पे निशान देखे हुए कैसे टैपेट सेटिंग करना है उसके ऊपर। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहें। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन घंटी को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन हमारा आपके पास मिलता रहे, नए वीडियो का अपडेट आप लोग के पास मिलती रहे। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं हमको एक नंबर का टैपिट करने के लिए कौन सा वाल हमारा जो है नॉर्मली मतलब ऊपर की तरफ उठेगा और दबका जैसे ही उठेगा हमारा, तो हमको करना है एक नंबर का टैपिट करने के लिए हमको क्या करना है। सबसे पहले हमारे को 12 नंबर एग्जेस वाल दबकर नॉर्मल ऊपर की तरफ वर्किंग करना चाहिए। मतलब आपको महसूस करना है कि हाँ वर्किंग हुआ है, ज्यादा ऊपर की तरफ नहीं लेना है। ठीक है, ये देखिए 12 नंबर का एग्जेस्ट वाल है। जैसे ही ऊपर की तरफ हल्का नॉर्मली वर्किंग करेगा, आपको वहां पे उंगली रखकर देखना है कि हमारा वर्किंग किया है नॉर्मली। और बात करें गेज की, तो गेज हमारे पास अगर 12 और 18 का गेज नहीं है तो कौन सा गेज इसमें लगाना चाहिए। हर किसी फ्रेंड को पता है कि 12 और 18 का गेज अक्सर हमारे लेलन कंपनी बोलती है लगाने के लिए। तो हमारे पास अगर 12-18 का गेज नहीं है तो कौन सा गेज हमारे को डालना चाहिए जिससे कि हमारा टैपिट परफेक्ट हो, जो कि एवरेज, आप लोगों को पता है कि एवरेज के लिए ज़्यादातर मगजमारी होती है, हमारे पास कंप्लेन आती है कि हमारा गाड़ी एवरेज नहीं दे रहा है। ठीक है, तो हम बात करेंगे, और जो कि मैं काफ़ी टाइम से इस गेज से मिला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आया, परेशानी नहीं आया। तो देखिए 12 नंबर का हमारा एग्जेस्ट वाल्व दबकर जैसे ही नॉर्मली ऊपर की तरफ वर्किंग किया है तो मैं एक नंबर का टैपिट करने जा रहा हूँ। तो एक नंबर टैपिट करने से पहले मैं बता दूँ आप लोगों को गेज कौन सा डालना है इंग्लैंड में, कौन सा एडजस्ट में। 35 और 45 नंबर का गेज है, जो कि 35 नंबर का गेज है हमारा इंग्लैंड वाल में आएगा और एडजस्ट वाल में हमारा 45 नंबर का आएगा। ठीक है, तो मैं 35 और 45 से काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, कभी दिक्कत नहीं है। जो हमारा एवरेज का प्रॉब्लम आता है, हमारे पास शिकायत आती है, तो वो हमारा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, मैं तो काफ़ी टाइम से इसी इसी गेज से मिला रहा हूँ 35 और 45 नंबर का, जो कि हमारे पास 12 और 18 का गेज है नहीं, और काफ़ी फ्रेंड हमारे जो है मैकेनिक भाई हैं उनके पास भी नहीं है। तो ये 35 और 45 से आप मिला सकते हैं, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। ठीक है, एवरेज का जो शिकायत आती है आपके पास, कंप्लेन आता है, वो सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि टेपिट में अगर ज़्यादा चाल है, ज़्यादा वर्क कर रहा है हमारा टेपिट, जो हमारा रॉकर है, तो उसे आप लोगों को पता है कि हमारा उसमें क्या क्या नुकसान हो सकता है, और ज़्यादा उसमें जाम भी नहीं रखना है। तो इसके लिए हमको 35 और 45 का गेज बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। जो कि हीनो इंजिन है उसमें भी मिला सकते हैं इसी तरीके से, जो तरीका इसमें बता रहा हूँ इस वीडियो में, और BS4 में भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं इंग्लैंड वाल में जो है 35 नंबर का गेज डाला हूँ। ठीक है, और 45 नंबर का गेज मुझे एग्जेस्ट वाल में डालना है। तो वीडियो को पूरा आप लोग लास्ट तक देखेंगे तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा इस वीडियो में, काफी आपको सीखने को मिलेगा। जो जिनको पता है उनको तो अच्छा ही, बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनके लिए बहुत अच्छी वीडियो है, जो कि आप लोग कुछ सीख सकते हैं इससे। और मेरा तो जो यही रहता है कि आप लोग को कुछ अच्छी वीडियो दूं, जानकारी आपको अच्छी दूं, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये वीडियो आप ही लोग के लिए है, आप लोग पूरा वीडियो देखना, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना आप लोग। और किसी फ्रेंड को डाउट हो या प्रॉब्लम हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे कॉल SMS कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, जिससे कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखना, और या आप लोगों को कोई डाउट हो तो मुझे कॉमेंट में भी कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने 35 नंबर का इंग्लैंड में लगाया था, अभी एग्जेस्ट वाल को कर रहा हूँ। तो एग्जेस्ट वाल में मैंने लगाया कौन सा, 45 नंबर का। ठीक, ये 35 और 45 का तो माजरा समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब यहाँ पे है वाल कौन सा दबा था हमारा, 12 नंबर का एग्जेस्ट वाल दबा था, और 12 नंबर का एग्जेस्ट वाल जैसे ही दबकर हमारा ऊपर की तरफ वर्किंग किया था, आपको महसूस करना है ज़्यादा ऊपर की तरफ उसको नहीं लेना है, आपको महसूस करना है अंगूठे रख के या उंगली रख कर कि हमारा ये वाल वर्किंग कर चुका है, तो उस पर एक नंबर को मिलाना है। अब चलिए हम मिलाएंगे 4 नंबर का। आप लोगों को पता है कि अशोक लेलैंड में
1 4 2 6 3 5 आता है। अब 4 नंबर को मिलाने के लिए हमको करना क्या है, 6 नंबर का एग्जस्ट वाल दबाना है। जैसे 6 नंबर का एग्जस्ट वाल दबकर उठेगा हमारा, तो हमारा 4 नंबर का टैपिट आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 नंबर का एग्जस्ट वाल नॉर्मल वर्किंग करना है ऊपर की तरफ। जैसे ही वर्किंग करके ऊपर उठेगा तो हमारा 4 नंबर का टैपिट आ जाएगा। तो ये वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे तो आप लोग को काफी मजा आएगा। जैसे कि फ्लाईव्हील पे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, हीनो इंजन में फ्लाईव्हील पे निशान नहीं दिखते हैं, जिसपे नंबर आते हैं नंबर दिखता नहीं है, पता नहीं चलता है। तो हमको कैसे करना है, इसी तरीके से हमको मिलाना है, जो इस तरीके से बता रहा हूँ कि कौन सा वाल दबेगा तो हमारा कौन सा टैपिट आएगा। मतलब आप लोगों को तो पता ही होगा, 1 4 2 6 3 5 फायरिंग ऑर्डर है, उसी फायरिंग ऑर्डर से मिलाना है। तो सबसे पहले हमको समझना क्या है कि वाल कौन सा दबेगा हमारा, ठीक है, वाल कौन सा दबेगा। ये आप लोग समझ जाएंगे तो आप लोग को काफी अच्छा रहेगा। जैसे कि फ्लाईव्हील अगर नहीं है, फ्लाईव्हील पर निशान नहीं है, तो उसमें आप लोग को काफी मजा आएगा। देखिए मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि हमारे कौन से टैपिट में ज्यादा गैप है। जो रोकर में हमारा गैप ज्यादा रहेगा उसको हमको मिलाना पड़ेगा, मतलब एडजस्टिंग करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो हमको छोड़ देना है, ऐसे पहले हमको चेक ही करना है। तो चलिए इसको मिला लेते हैं। मिलाने के बाद उसके बाद मिलाएंगे 2 नंबर का, ठीक है। तो वीडियो पे बने रहें, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसमें कौन सा जो गेज है बता रहा हूँ आप लोगों को, 35 और 45 नंबर का इंग्लैंड में लगाना है, 35 और 45 नंबर का हमारे को एग्जस्ट वाल में लगाना है। अगर 12 18 का गेज आपके पास नहीं है, ये भी लगाकर आप लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी नहीं आएगा। तो चलिए इसको कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग 2 नंबर का करते हैं। अब जो फ्रेंड हमने 1 4 को कर लिया है, तो अब करेंगे 2 नंबर का। 1 4 करने के बाद अब 2 नंबर का करेंगे। अब 2 नंबर के लिए हमको कौन सा वाल दबाना है ये जानना है आपको, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, 10 नंबर का एग्जस्ट वाल जैसे ही दबकर हमारा ऊपर की तरफ वर्किंग करेगा हमारा, तो हमारा 2 नंबर का टैपिट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग अगर समझ जाते हैं आप लोग, तो काफी आपको हेल्प मिलेगा, और इससे आपको परेशानी भी नहीं होगी कि फ्लाईव्हील पे हमको निशान देखना है, फ्लाईव्हील पे निशान देखना है। तो वो मगजमारी जो है, जो प्रॉब्लम है फ्लाईव्हील पे निशान का नंबर का, वो सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस वीडियो में पूरा मैंने बताया है, वीडियो थोड़ी लंबी है, पूरा देखेंगे आप लोग तो काफी आप लोगों को समझ में आएगा, और इसमें आपको लोग काफी हेल्प मिलेगा। तो चलिए 10 नंबर का एग्जस्ट वाल जैसे ही हमारा दबकर नॉर्मल वर्किंग किया है, तो हम लोग 2 नंबर का मिला लेते हैं। 2 नंबर का एडजस्टिंग टैपिट का कर लेंगे, उसके बाद 6 नंबर का करेंगे। तो 6 नंबर भी देखेंगे कौन सा वाल हमको दबाना है और कौन सा टैपिट हमारा आ जाएगा। ऐसे तो आप लोगों को पता चल गया होगा
1 4 2 6 3 5 दो नंबर मिलाने के बाद छह नंबर मिलाएंगे, तो छह नंबर के लिए कौन सा हमारा रॉकर दबेगा हमारा, तो हमारा छह नंबर मिलेगा। इसके लिए आप लोग पूरा वीडियो को देखें और समझ जाए आप लोगों को तो बेहतर होगा। चलिए दो नंबर का करते हैं हम लोग, और करने के बाद करेंगे सीधा छह नंबर का। अब हमारा ये दो नंबर जब कंप्लीट हो गया है तो अब करेंगे छह नंबर का। ठीक है, 10 नंबर हमारा एग्जिट वाल दबा और दो नंबर का टैपिट हुआ हमारा। ठीक है, 10 नंबर एग्जिट वाल दबा हमारा तो दो नंबर का टैपिट हुआ। अब हम लोग करेंगे क्या, इसमें दो नंबर का एग्जिट वाल दबाएंगे और छह नंबर का टैपिट करेंगे हम लोग। ठीक है, दो नंबर का एग्जिट वाल दबाएंगे और छह नंबर का टैपिट करेंगे हम लोग। तो चलिए दो नंबर हमारा जैसे ही एग्जिट वाल दबेगा तो हमारा छः नंबर का टैपिट आ जाएगा। तो यही चीज़ है, आप लोगों को समझना है। जिनको पता है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनके लिए खास करके ये वीडियो है, क्योंकि फ्लाईव्हील पे निशान देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बिना फ्लाईव्हील पे निशान देखे आप लोग मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे तो आपको पूरा ये छः का छः टैपिट करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी आपको। और किसी फ्रेंड को डाउट या प्रॉब्लम हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे कॉल एसएमएस कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो ये देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि हमारा कौन सा टैपिट में ज़्यादा गैप है। अगर गैप ज़्यादा है तो हमको एडजस्टिंग करना पड़ेगा, अगर सही है तो छोड़ देना चाहिए, मतलब छोड़ देना पड़ेगा। तो हम इसमें जिसमें जिसमें हमारे को ज़्यादा गैप दिख रहा है उसको हमको टैपिट करना पड़ रहा है। ये भी गाड़ी एवरेज के लिए आई है, एवरेज इसमें कम है, इसके लिए मैं इसको टैपिट एडजस्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। और करने के बाद तीन नंबर मिलाएंगे तो तीन नंबर के लिए कौन सा वाल दबेगा हमारा उसको भी देख लेते हैं, और देखने के बाद आपको आपको भी मालूम पड़ जाएगा। तो इंग्लैंड वाल में हम लोग 35 लगा रहे हैं और एग्जस्ट में 45। चलिए इसको भी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग तीन नंबर पे चलते हैं।
अब यहाँ पे जो है फ्रेंड हमारा जो है 3 नंबर का टैपिट मिलाना है, तो 3 नंबर का टैपिट मिलाने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, 8 नंबर का एग्जेस्ट वाल्व दबाना पड़ेगा। 8 नंबर एग्जेस्ट वाल्व जैसे ही दबकर हमारा उठेगा तो हमारा 3 नंबर का टैपिट आ जाएगा, जो कि 6 नंबर मिला है हम लोग ने। अब उसके बाद हमारा 3 नंबर मिलेगा, तो 3 नंबर का टैपिट मिलाने के लिए हमारे को क्या करना है, 8 नंबर का एग्जेस्ट वाल्व दबाना है। जैसे ही दबकर ऊपर की तरफ उठेगा तो हमारा 3 नंबर का टैपिट आ जाएगा। तो चलिए इसको भी मिला लेते हैं, और मिलाने के बाद एडजस्टिंग करने के बाद हम लोग लास्ट टैपिट मिलाएंगे कौन सा, 5 नंबर का, 14, 26, 35, ये याद रखना है। ठीक है, ये अशोक लेलैंड BS4 गाड़ी है। और जैसे जैसे हमारी जो भी प्रॉब्लम्स की वीडियो आएंगी आप लोगों को मिलेगी जरूर। ठीक है, बस हमारे चैनल को सपोर्ट करें, और जितना आप लोग प्यार देते हैं बहुत खुश हूँ, इसी तरह प्यार देते रहे आप लोग, मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए 3 नंबर का भी एडजस्टिंग कर लेते हैं, और एडजस्टिंग करने के बाद उसके बाद चलेंगे 5 नंबर पे, और 5 नंबर का कौन सा वाल, 5 नंबर टैपिट के लिए कौन सा वाल दबेगा उसके बारे में भी आप लोग को दिखा देंगे। अब यहाँ पे जो है फ्रेंड हमारा जो है 3 नंबर का टैपिट हो गया, तो अब मिलाएंगे 5 नंबर का। तो 5 नंबर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा हमारे को 4 नंबर एग्जेस्ट वाल दबाना है। 4 नंबर जैसे ही एग्जेस्ट वाल दबेगा हमारा, तो हमारा लास्ट टैपिट 5 नंबर का आ जाएगा। ठीक है, तो हम 4 नंबर का टैपिट दबा लेते, ये हमारा रोकर जो है दबेगा तो 5 नंबर का टैपिट आ जाएगा। तो 5 नंबर लास्ट टैपिट है, मिला लेते हैं। ठीक है, ये 4 नंबर रोकर हमारा जैसे ही दबकर उठा है तो हमारा 5 नंबर का टैपिट आ चुका है। तो चलिए 5 नंबर का मिला लेते हैं। तो 5 नंबर मिलाने के बाद ये लास्ट हमारा टैपिट है, इसको भी एडजस्टिंग कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड मुझे उम्मीद है और भरोसा है कि आप लोग को काफ़ी समझ में आया होगा, इस वीडियो से काफ़ी आप लोग को हेल्प मिला होगा। ठीक है,
तो मुझे जरूर बताया आप लोग को वीडियो कैसा लगा, कमेंट जरूर करना आप लोग, या कोई डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे कॉल कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग हमारे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से कॉल SMS कर सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना आप लोग। ये लास्ट है, हम लोग इसको चेकिंग कर लेते हैं कि कोई हमारी जो नट है वो ढीली नहीं रह गई हो, छूट नहीं गई हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय ऑल फ्रेंड, थैंक यू। और इसी तरह वीडियो को हमारा प्यार दे और चैनल को सब्सक्राइब सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करना आप लोग। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ, बाय।